हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पर मैट्रिसेस की क्लासेस चल रही हैं। मैथ्स का एक टॉपिक है मैट्रिक्स, उसी की क्लासेस चल रही हैं। आज उसी के सीरीज का ये चौथा वीडियो है। जी हाँ, फोर्थ नंबर वीडियो। पहले के तीन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे आप जाएं और पहले उस तीनों वीडियो को देख लें फॉर द बेसिक एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। जी हाँ, यहाँ पर हम प्रोडक्ट देखेंगे कि दो मैट्रिसेस का हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं, चाहे वो क्या हो और कब पॉसिबल है कब नहीं, वो सारा चीज। तो जैसा कि आप टॉपिक यहाँ देख रहे होंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, तो बिना कुछ देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। इस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में हम चलेंगे तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि कब कब ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास एक दे दिया गया ए, एक मैट्रिक्स दे दिया गया, और ए मैट्रिक्स है क्या वो जरा मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक मैट्रिक्स है 2, 5, 4 और 1, एक मैट्रिक्स ये हो गया। और साथ ही साथ आपके पास एक और मैट्रिक्स है बी, जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है 7, 2, 4 और 5, ये आपके पास मैट्रिसेस है। तो ये दो मैट्रिसेस को आपस में प्रोडक्ट करना है। दैट मीन्स आपसे कह क्या दिया गया कि फाइंड ए बी आपको फाइंड करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कब कब इन सब के बीच में प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, और साथ ही साथ ये समझेंगे कि अगर प्रोडक्ट पॉसिबल होगा तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट प्रोडक्ट। ये दो चीजों को हमको समझना है। तो आइए उस दो चीजों को सबसे पहले समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन के अपार्ट में आपको बेसिक बता दूं कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 by 2 और एक और मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 by 1, ऐसा कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इस दोनों के बीच में प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा वो चीज को हमको देखना है। सबसे पहले आप यहां पर देखो कि फर्स्ट मैट्रिक्स, जो पहले मैट्रिक्स है, जैसे कि मान लो ये पहले का मैट्रिक्स है तो इसके नंबर ऑफ कॉलम, तो ये नंबर ऑफ कॉलम जो होने चाहिए वो नंबर ऑफ रोज, यानी सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल होगा तभी इस दोनों के बीच में प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज इसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। लिसन केयरफुली कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होंगे तभी इसके बीच का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज इसके बीच का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग इज व्हाट कि जो रिजल्टेंट आएगा, इस दोनों को प्रोडक्ट अगर मैं कर देता हूं तो एक रिजल्टेंट हमारे पास आएगा, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा फिर उसका ऑर्डर क्या होगा। यहां पर एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिजल्टेंट मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा जो बची हुई चीजें। मैं इसको कलर चेंज करके आपको बता देता हूं। यहां पे देखो कि जो बची हुई चीजें, यानी कि ये 2 और ये 1, ये दोनों बची हैं, तो इस दोनों का जो बाई में आएगा 2 by 1, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ध्यान से देखो इस एग्जांपल को, इससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर आपस फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर आपस में इक्वल हो गए तो ही इसके बीच का प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज इस दो मैट्रिसेस के बीच का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। सेकंड थिंग कि जो प्रोडक्ट करने पर भी एक मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करेंगे तो अनदर एक मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट मैट्रिक्स, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम का ऑर्डर मिलाकर यहां जो बनेगा वो इसका आंसर बनेगा। Is it clear? तो अब यहां पर देखते हैं हम ए और बी। तो ए का अगर यहां पर देखा जाए तो ऑर्डर आपको क्या दिख रहा होगा 2 by 2, और बी का यहां पर ऑर्डर देखें तो इसका भी ऑर्डर क्या है 2 by 2। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 2 और ये 2 आपस में क्या है, इक्वल है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो यहां ए बी आएगा उसका भी जो यहां पर होगा, यानी कि ये 2 बचा और वो 2 बचा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 by 2। आई बस समझ में? तो अब मैं यहां पे बताऊंगा कि इस दोनों का प्रोडक्ट यानी कि आंसर क्या होगा। उसके लिए पहले मुझे इन सब को इरेज कर लेना पड़ेगा। मैं इन सब को हटा देता हूं जो चीजें मैंने यहां यूज की हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा बोर्ड क्लीन। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन ये था कि ए एक वैल्यू दिया हुआ था और बी वैल्यू दिया हुआ था, अब इसके बीच का प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो ये हमारा आ गया यहां पर प्रोडक्ट का, ये हमारा आ गया प्रोडक्ट का लिस्ट।
तो ये जो ऑर्डर होगा कैसा होगा, 2 by 2 का, यानी दो कॉलम होंगे दो रो होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, लिसन केयरफुली, कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले रो लेंगे और कॉलम, फिर रो लेंगे और फिर कॉलम, और दोनों एलिमेंट ऊपर में लिख देंगे। यानी कि रो के एलिमेंट को तब तक लिखना है जब तक कि कॉलम का एलिमेंट खत्म ना हो। जैसे 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो यहां क्या लिखेंगे, 2 × 7। और फिर चूंकि ये रो कंप्लीट नहीं हुआ, ये कॉलम भी नहीं, तो रो की ओर आगे बढ़ेंगे और इधर किसकी ओर आगे बढ़ेंगे, कॉलम की ओर। तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो +5 × 4। तो ये आपका पहला एलिमेंट आ गया। दूसरे एलिमेंट की ओर चलेंगे तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा, देखो 2, यानी उसी रो को लेना है क्योंकि फर्स्ट रो में ही हम काम कर रहे हैं, तो 2, और कॉलम कौन सा लेना है, सेकंड, तो 2 × 2, तो यहां क्या लिख देंगे, 2 × 2, और प्लस, फिर आगे चलेंगे तो ये 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से, तो यहां क्या लिख देंगे, 5 × 5। ये हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो जैसे कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम किधर मूव करेंगे, सेकंड रो की ओर, और सेकंड रो में देखेंगे क्या है। सेकंड रो में हमारा क्या दिख रहा है, 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, और फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, यानी रो इस ओर बढ़ेगा और कॉलम एक एक करके हम लेते जाएंगे। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, यहां क्या लिखेंगे, 4 × 7, और फिर यहां क्या साइन देंगे, प्लस का, और फिर 1 × क्या करेंगे, 4, तो 1 × क्या कर दिया हमने, 4। इज इट क्लियर। आफ्टर दैट हम इस 4 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो यहां क्या करना है, 4 × क्या करेंगे, 2, और प्लस 1 × क्या करना है, 5, यानी 1 × क्या करना है, 5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको प्लस माइनस करना जानते होंगे, मेरे से अच्छे जानते होंगे आप लोग। तो अब यहां पर मैं इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर लेके आता हूं कि क्या आएगा। अब देखो, 7 × 2 = 14 और 5 × 4 = 20, यानी 20 और 14 कितना हो जाएगा, 34। इसके बाद यहां देखो, 5 × 5 = 25 और 2 × 2 = 4, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29। यहां देखो, 4 × 7 = 28 + 4, 28 + 4 कितना हो जाएगा, 32। और यहां पर हम देखेंगे, 4 × 2 = 8 + 5, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 13। ये आपका फाइनल आंसर आया। दैट मींस कि ए बी जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहां पर जाकर मिल गया। तो बात समझ में आई कि कैसे हम सॉल्व करते हैं दो मैट्रिसेस के आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो ये तो मैंने क्या किया, ए बी निकाला, और इसके प्रॉपर्टीज मैं अभी बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है और कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज समझ में आया। अब इसके बाद आप क्या करना कि बी को आगे रखना और ए निकालना और मुझे बताना कि आंसर क्या आ रहा है। इसके पहले, इसके बाद मैं अब आपको बता देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद मैं 3 by 3 ऑर्डर का बताऊंगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस को बताने से पहले मैंने बोर्ड क्लियर कर दिया और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस बता रहा हूं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, नंबर 1 प्रॉपर्टी कहता है कि इट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है वो चीज समझो, कि अगर ए बी और सी तीन मैट्रिसेस है और बी और सी में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इट इज इक्वल टू, यहां पर अगर फिर से मैं लिख दूं ए बी और सी, तो इस बार ब्रैकेट में किसमें लगा दूंगा, ए बी में। तो दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। आई बात समझ में कि ये लॉ क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। अब आगे चलते हैं नंबर 2 के लिए। नंबर 2 क्या कहता है कि ए प्लस बी, और मैं आगे मैं क्या रख देता हूं, सी यहां पर, और फिर ये इक्वल किसके होगा, तो ये इक्वल होगा आपका, फिर मैं वही कर देता हूं, ए प्लस सॉरी ये नहीं होगा, यहां पर मैं इसको इरेज कर दूं, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा किसके, एसी प्लस बीसी। आई बात समझ में। थर्ड नंबर पे चलते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं हम यहां पे, कि ये क्या होता है, कमुटेटिव नहीं होता है। दैट मीन्स कमुटेटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये नॉट इक्वल होगा किसके, बी ए के। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा, किसी केस में हो सकता है कि हो भी जाए, बट नॉर्मली केसेस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को ये लॉ को फॉलो करता है, इस चीज को आपको याद रखना है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, एंड दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। आई बात समझ में। तो अब आगे चलते हैं और फिर देखते हैं 3 by 3 ऑर्डर का, कि 3 by 3 ऑर्डर में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3 by 3 ऑर्डर के लिए मैंने यहां क्या ले लिया, ए, ए एक मैट्रिक्स लेता हूं, क्या क्या, 2, 3 और 4,
यहाँ वन टू और वन, और यहाँ थ्री टू और वन, ये चीज मैंने यहाँ ले लिया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा क्या है, ए। अब मैं यहाँ क्या लेने जा रहा हूँ, बी। जरा बी को ध्यान से देखना कि बी क्या है। बी जब मैं लूंगा तो यहाँ मैं क्या लेता हूँ, वन टू और थ्री, यहाँ लेता हूँ थ्री टू और वन, यहाँ लेता हूँ वन टू और वन। ये हमारा दो मैट्रिक्स कंप्लीट है। अब मैं मुझे क्या करना है कि इस दोनों के बीच का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, यानी ए और बी के बीच का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए देखिए कैसे करते हैं, ये बड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका टफ हो जाएगा। मैं ए बी निकाल के बताऊंगा और आप क्या निकाल के बताना मुझे, बी ए। तो देखो ए बी को सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा, तो मुझे फर्स्ट रो को लेना है और कॉलम किसको लेना है, फर्स्ट को। तो आइए सॉल्व करते हैं, टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन से, तो टू इंटू वन। प्लस थ्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री से, यानी कि ये रो बढ़ा और ये कॉलम बढ़ रहा है। तो यहाँ प्लस क्या करना है, थ्री इंटू थ्री। और फिर क्या करना है, फोर को किससे, वन से, तो प्लस फोर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन। तो ये हमारा जो आया, ये पहला एलिमेंट आया। फिर दूसरे एलिमेंट क्यों चलते हैं, फिर टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू से, तो टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू। फिर थ्री को किससे करेंगे, टू से, तो प्लस थ्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू। और फिर यहां पर फोर को किससे करेंगे, टू से, तो प्लस फोर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू। ये हमारा जो आया, ये कौन सा एलिमेंट आया, सेकेंड एलिमेंट आया। अब थर्ड एलिमेंट के चलते हैं, टू को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, तो टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री। फिर थ्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन से, तो थ्री को वन से, तो प्लस थ्री इंटू वन। और फाइनली किसको, फोर को वन से, तो प्लस फोर इंटू वन। ये हमारा हो गया। After that, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं पहले एलिमेंट को नहीं लिखते हुए, कि ये वन टू वन को फिर इससे करेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे वन को किससे करेंगे, वन से, प्लस टू को किससे करेंगे, थ्री से, और प्लस वन को किससे करेंगे, वन से, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। फिर यहां पर क्या करना है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो देखो सेकेंड रो क्या है, वन टू वन, और सेकेंड कॉलम क्या है, टू टू टू। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो वन को किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से, प्लस टू को किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर टू से, और प्लस वन को किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से। और फिर थर्ड में चलते हैं, तो फिर वन टू वन को थ्री वन वन से। तो यानी कि यहाँ पर वन को किसे मल्टीप्लाई कर देना है, थ्री से, प्लस टू को किसे कर देना है, वन से, और प्लस वन को किसे कर देना है, वन से। ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं किसकी ओर, तो ये हमारा थर्ड एलिमेंट था, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया। अब चलते हैं थर्ड रो में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थ्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री इंटू वन। फिर टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री से, तो प्लस टू इंटू थ्री। फिर वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन से, तो प्लस वन इंटू वन। आफ्टर दैट फिर इसी रो को थर्ड सेकेंड कॉलम से, क्योंकि सेकेंड कॉलम में हमको लिखना है। तो आइए थ्री को करते हैं किससे, टू से, तो थ्री इंटू टू। प्लस फिर टू को किससे करना है, टू से, तो टू इंटू टू। और फिर वन को किससे करना है, टू से, तो प्लस वन इंटू टू। आफ्टर दैट फिर थ्री को मैं किससे करूंगा, थ्री से, तो थ्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री। फिर टू को किससे करना है, वन से, प्लस टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन। और फिर वन को किससे करना है, वन से, प्लस वन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको इधर क्लोज कर देते हैं, चूंकि ये एक मैट्रिक्स बन रहा है। और फाइनली इसको सॉल्व करके लिखे, तो फाइनली जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा वो चीज आप देख लो। यहाँ पर 2 प्लस 9 टू 11 प्लस 4 15 आ गया यहाँ पर, चलो ठीक है। सेकेंड एलिमेंट और सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 6 2 टू या 4 3 टू या 6 10 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा 18। आफ्टर दैट 6 प्लस 3 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर 13, क्लियर है। आगे चलता हूं मैं, फिर ये देखो 6 प्लस 1 7 प्लस, सॉरी यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, तो 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8। आगे चलता हूं मैं, 2 प्लस 4 4 टू 6 प्लस 2 8 हो जाएगा ये। आफ्टर दैट 3 प्लस 2 प्लस 1 3 टू 5 प्लस 1 6। एंड लास्ट रो का लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 हो जाएगा ये। आफ्टर दैट 6 प्लस 4 10 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 12। एंड फाइनली 9 प्लस 2 प्लस 1 9 टू 11 प्लस 1 12। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर रहा।
तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो प्लीज आप पीछे जाओ थोड़ा वीडियो के, वापस से इस चीज को देखो और बताओ कि मुझे क्या नहीं समझ में आया है। कमेंट में मुझे जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू अप्रिसिएट भी करना और लाइक बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही साथ अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलो, क्योंकि रोज शाम में जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। साथ ही साथ इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो लाने के लिए प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अप्रिशिएट करना बिल्कुल भी मत भूलो। तो आज की इस वीडियो के बाद आप मोर से मोर प्रैक्टिस करो, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर क्या प्रॉब्लम आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।